कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर के तमाम शहरों को इन दिनों लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के पांचवें दिन धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी आर राम कुमार की अगुवाई में थानेदार एवं स्थानीय समाज सेवी के सहयोग से सामुदायिक रसोइयों की शुरुआत की गई, जहां उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है जो कोलकाता एवं अन्य शहरों से पैदल अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिनके पास भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन लोगों को भी भोजन कराया जा रहा है जो बड़े वाहनों के ड्राइवर एवं खलासी हैं। एनएच पर होटल एवं ढाबे बंद होने की वजह से भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कराई गई है। एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी आर राम कुमार, ग्रामीण एसपी, डीएसपी एवं थानेदार ने स्वयं लोगों को परोसकर भोजन कराया। किसी के साथ किसी तरीके का गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए। कोई दवा लाने जा रहा है, कोई राशन लाने के लिए जा रहा है, या फिर कोई गाड़ी जा रही है उस तरह का राशन का सामान लेके, दवा का सामान लेके। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सामुदायिक रसोइयों के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी कोरोना इन्फेक्टेड का वायरस किसी और शख्स के शरीर में प्रवेश ना करे। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल 35 थाना क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की जाएगी। आज गोविंदपुर थाना क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है, इसके बाद अन्य थाना क्षेत्रों में शाम तक तमाम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करा दी जाएगी, जहां दोपहर एवं रात का भोजन लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। देखिए, लगातार हम लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग पूरे एरिया में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिनके द्वारा जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक जरूरी जो सामान है उनको कम से कम खाद्यान्न का अभाव ना हो, कुछ फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से। और आज से हम लोगों ने लगभग 35 ऐसे थानों और ओपीजी को पहचान किया है, जहाँ पर कम्युनिटी किचन भी आज शाम तक हम लोग शुरू करेंगे, जिससे कि जो बिल्कुल माइग्रेंट वर्कर है, जो कहीं फंसा हुआ है, या जो बिल्कुल ही एकदम निर्धन जो तबका है, उनको किसी प्रकार की कमी ना हो, तो दो टाइम में हम लोग जो है भोजन उनके लिए उपलब्ध कराएंगे।